अध्यक्षा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और ऊना विधानसभा क्षेत्र के विधायक। आज मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ और इनके ऊपर ये इल्जाम भी लगाता हूँ कि भटोली कॉलेज को इन्होंने कैसे प्राइवेट करवाया सरकारी से, और कैसे उसके वो सदस्य बने, और उसके बाद राम कुमार को इसका कैसे फायदा दिया गया, और इसके साथ साथ ये इनकी जो साजिश चल रही है भटोली कॉलेज को बंद करवाने की, हम इसको सफल नहीं होने देंगे। और इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र है और हम इसके ऊपर मांग करेंगे विजिलेंस की कि इसकी इंक्वायरी हो कि जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं कैसे कैसे इन्होंने यहाँ के जो विद्यार्थी है और यहाँ की जो जनता है उनके साथ विश्वासघात किया। जैसा आपने बताया कि कॉलेज को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से हड़पने का? ये मैं बताना चाहूंगा कि इसको जब कांग्रेस के राज में राजा वीरभद्र जी ने जब ये अगस्त 10 सितंबर के करीब इसको सरकारीकरण किया गया, उसके बाद जब विधानसभा की सीटों का बंटवारा होना था तो वहां के प्रोफेसर राम कुमार जी ने वहाँ रिजाइन दिया क्योंकि उनको टिकट मिलने की भाजपा से उम्मीद थी और उन्होंने रिजाइन दे दिया। और उसके बाद जब भाजपा सरकार बनी तो जब सरकारी किया गया था तो उसके खिलाफ वहाँ की कमेटी ने सरकार के खिलाफ कि इसको सरकारी नहीं करना है, इसके खिलाफ एक याचिका दायर की थी। और उसके बाद भाजपा सरकार सत्ता में आई, भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद इसको दूसरी बेंच पे डबल बेंच पे वो नहीं लेके गए, और साथ के साथ उस वक्त सतपाल सत्ती को इसका मेंबर भी नियुक्त करवाया गया। वो मेंबर क्यों नियुक्त कराया गया? वो भाजपा के विधायक रहे हैं और आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उसी वक्त क्यों करवाया गया? और उसके बाद राम कुमार जी को वहां, क्योंकि अगर वो सरकारी होता तो राम कुमार जी वहां ज्वाइन नहीं कर पाते, लेकिन एक साल बाद राम कुमार जी ने वहां ज्वाइन किया प्राइवेट होने के बाद। उसके बाद जब दूसरी बार इलेक्शंस आए तो उस वक्त टिकट नहीं मिली थी उनको, इसलिए द्वारा ज्वाइन किया। दूसरी बार उन्होंने 2012 में जब ये इलेक्शन लड़ना था तो टिकट अप्लाई की, तब उन्होंने रिजाइन नहीं दिया और एक साल तक रिजाइन नहीं दिया। और उसके बाद हमने जब आवाज उठाई तो शिमला से एक कमेटी आई, तब उनका रिजाइन लिया गया। और आज उस कॉलेज की पोजिशन ये है कि 23 प्राध्यापकों के पद खाली है